निक्की यादव को भाई शुभम और पिता सुनील यादव ने दी नम आंखों से मुखाग्नि। निक्की यादव के परिवार ने सरकार से लगाई साहिल गहलोत को फांसी की सजा देने की गुहार। दिल्ली में बेटियां कितनी सुरक्षित है इसका अंदाजा पहले तो श्रद्धा हत्याकांड से, अब हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली निक्की यादव हत्याकांड से लगाया जा रहा है। आज निक्की यादव के प्रिजन उसके शव को लेकर झज्जर के गांव खेड़ी खुमार पहुंचे, जहां पर उसके छोटे भाई शुभम यादव और पिता सुनील यादव ने नम आंखों से गांव के शमशान घाट में मुखाग्नि दी। परिवार ने आरोपी साहिल को फांसी की सजा देने की मांग सरकार से की है, ताकि आगे कोई भी बेटी सिर फिरे आशिक का शिकार ना बन सके। रात में दिल्ली की सड़कें बेटियों के लिए कितनी सुरक्षित है इसका अंदाजा पहले तो श्रद्धा हत्याकांड से लगाया गया और अब निक्की यादव हत्याकांड ने दिल्ली पुलिस के सुरक्षा मानकों की पोल खोल कर रख दी। 9 और 10 फरवरी की रात झज्जर के खेड़ी खुमार गांव की रहने वाली निक्की यादव नाम की एक बेटी को उसके प्रेमी ने चलती कार में मोबाइल चार्जर की तार से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। निक्की यादव हत्याकांड के बाद परिवार व परिजनों ने मीडिया से गुहार लगाई है कि इस मीडिया ट्रायल को रोक दिया जाए, इससे गांव व परिवार की बदनामी हो रही है। हालांकि अब परिवार ने शव का हिंदू रीति रिवाज से दाह संस्कार कर दिया है और वह सरकार से आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। कि अंदर पूरे गुहांड के अंदर पूरी एरिया के अंदर बहुत भारी दुख है। और जो ये बाबूजी बलजीत जी ने बताया ना, ये जो सब कुछ ये लिविंग बता रखा है गलत है, ऐसी कोई नहीं बात थी और ये किसको पता है। लेकिन इसने जो भी कराया है इसने इसकी सजाए मौत होनी चाहिए। न्यायपालिका से हम अनुरोध करते हैं और इसके लिए चाहे पूरा एरिया को इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री जी से मिलना पड़े, कम से कम इसकी सजाए मौत होनी चाहिए, फांसी की सजा दो सरकार। मेरी पोती बेमौत मार दी, सुनो बताओ क्या हुआ, कानून बताओ, कानून बताओ, कानून क्या करेगी है? अगर हम देखें क्या हुआ, सजा कहता होता वो, हम तो सजा क्या सजा चाहते हो, सजा फांसी होनी चाहिए जी, उससे कम से कम फांसी से कम क्या होगा। न्यायपालिका से ये अनुरोध है और सरकार से भी कम से कम फांसी होनी चाहिए उसका पूरा, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, फांसी फांसी की होनी चाहिए जी ऐसी। हाँ ठीक है, नहीं हमारी दूसरी रिक्वेस्ट है, ये मीडिया ने फैला रखा है। आप आ गए, जिस आदमी ने मेरी बेटी को इसे में हत्या करके मारा है उसकी सजा ही मौत होनी चाहिए। बस और मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, पुलिस ने बताया कैसे मारा है। आज देखा सुबह से, एक तो जो मीडिया प्रसारित कर रहा है कि एक बेटी लिव इन रिलेशन में थी, ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है, बिल्कुल गलत, हम इसका खंडन करते हैं। कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है क्या, कोई फ्रेंडशिप तो हो सकती है बच्चों की, लेकिन जो ये लगातार ट्रायल दिखाई जा रही है कि वो रिलेशनशिप में थे, बिल्कुल गलत है, हम इसका खंडन करते हैं। ये हमारा सामाजिक अपमान है, सामाजिक अपमान आल्सो, वो कभी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती विक्टिम की, और इसके अंदर सारा सारी फैमिली की आइडेंटिटी डिस्क्लोज, गाँव की डिस्क्लोज कर दी सारी की सारी। वो इतना बड़ा अपराध कि ये तो सर, ये चलो समय रहते ये पता चल गया, पुलिस की कार्रवाई होगी, डेड बॉडी रिकवर कर ली वहाँ से, नहीं सर दागे तो टुकड़े करता ये तो इसके, वो डेड बॉडी के भी मतलब इतनी बुरी हालत करता कि वो उसको देख नहीं सकते थे हम। और आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सरकार का एजेंडा है और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है देखिए, रोजाना पीछे सर दाता, रोजाना किसी न किसी बहन बेटी के साथ ऐसा अपराध हो रहा है। अब माँ बाप हैं इनके, ये बेचारे क्या करें इसका, अब गैर गैर बच्चों में थोड़ा रह सकता है कोई, सोशल सिक्योरिटी जो सामाजिक सुरक्षा की बात हो रही है, तो ये देखिए आपके सामने है सबके, और सारे गांव में बड़ा भारी रोष है इसका। अगर वो यहाँ का लोकल मामला होता तो शायद बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगा हो जाता। अब ये दिल्ली का मैटर था और वहाँ से जो भी कार्रवाई हुई है वो लेके आए वहाँ से गाँव के आदमी वहाँ पहुँच नहीं पाए। तो ये आपसे अनुरोध है कि इसको ट्रायल जो चला रखी है वो बिल्कुल रोका एकदम, कि किस किस आदमी ने ये सारा दिया है मैटर के भी वो लीव रिलेशन, ये बिल्कुल झूठी बात है। बेटी कोचिंग करती थी अपनी, पढ़ती थी वहाँ, PhD की तैयारी थी आगे, और किस तरीके से उसने उसको लड़की को किस तरह गुमराह फुसलाया है इस बात का भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये तो अचानक ये हादसे का पता लग गया और सब लोग पहुँचे पुलिस पिताजी का पता।